हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा सेक्सी बनी हुई हूँ। मैं अपनी तारीफ अपने आप करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बस में जा रही हूँ किसी काम से। बस में नहीं, किसी में भी जाऊँगी। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया भाई? सुबह सुबह मैं तुम्हें चुम्मा नहीं देने वाली। तो बस हमारा काम हो गया है, हम फिर से दरियागंज आ गए थे। बस काम वाम कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ से निकलेंगे वापसी। घर के लिए रवाना होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हम लोग मेट्रो से चलेंगे, हम लोग मेट्रो से चलेंगे ना। तो ये सुमित भाई टिक्की खाने के लिए आ गए हैं, बट मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। मम्मी भी खाएंगी, मैं भी डाइट, बट मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। देख क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। ये बोल रहे हैं ये डाइट फूड है, ये डाइट फूड है। हाँ ना ना करके भी ना मैंने ना एक प्लेट गोलगप्पे खाए है ना, और ना ना करके मैं इनकी टिक्की में मुंह मारने वाली हूँ। क्योंकि मुझे मुंह मारना बहुत अच्छा लगता है खाने की चीज में। तो मतलब गगन बेटा ध्यान रखियो, गर्म नहीं है, मजा आ गया खाते। तो यहाँ मिल गई है मूंगफली और ये लोग मूंगफली ले लें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। वेदर देख सकते हैं आप, ये है गोलचा दरियागंज पूरा का पूरा। और यहाँ पे सब बस का वो इंतज़ार कर रहे हैं। आ जाओ। तो हम फिर से आ गए हैं दिल्ली गेट के मेट्रो स्टेशन पे। आज हम मेट्रो से जाएंगे और मेरा बड़ा दिल है कि मैं एक यूट्यूब पे डांस करूँ। तो ये है मेरे दो हाथी मेरे साथी, आओ। ये दोनों बेचारे मूंगफली खाते हुए चल रहे हैं। पूछा था मुझे बट मेरा मन नहीं कर रहा। तुम डाइट पे होगा? मैं डाइट पे हूँ। मैंने पता गोलगप्पे की प्लेट खा ली, उसमें से भी ना दो इन लोगों को दे दिया एक एक, और इनकी टिक्की भी खा ली थोड़ी सी, तीन चार चम्मच। नहीं नहीं, आप लोग खाओ, मजा ही करो, जल्दी से पहुँच जाए। पता है कहाँ से पैदल चलते हुए आ गए, बहुत दूर से पैदल चलते हुए। भी बहुत है यहाँ पे मेट्रो में, बहुत ज़्यादा ही बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपना स्वेटर उतार दिया है, ये देख सकते हैं नीचे बांध दिया है, और हमारी मेट्रो भी आ गई है। चल, उस दिन मैं दोपहर में आई थी, आज मैं शाम को जा रही हूँ। मेट्रो में बहुत भीड़ है, देख सकते हैं शाम वाली मेट्रो में क्या हाल होता है। उस दिन सुबह वाली थी, उसमें तो पता नहीं चला, खाली खाली सीटें थी। ये दोनों यहाँ खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। हेलो, कैसा लगा तुम्हें? बहुत बढ़िया, फर्स्ट। तो ये है 51 सेक्टर है पूरा, ये देख लो। हीरा स्वीट पर जाने का मन कर। तो ये भाई यहाँ पे बहुत फेमस शॉप है कचौड़ियों वाली, देख लो। ये खा रहे हैं, मैं तो खाऊंगी नहीं, मैं उस पे हूँ डाइट पे। 52-51 सेक्टर है ये। 51 कमिंग सून पूरा देख लो, शाम को ठंडा हो रहा है, हल्का हल्का ठंडा है, ज़्यादा नहीं है ठंडा। यहाँ 51 है, उतवे 52 पे थे, पता नहीं क्या क्या है। ये देखो, मुझे लड्डू अच्छे लगे, मैं लड्डू खाऊंगी, बस तीन ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि डाइट पे हूँ। हाँ, ये लोग ये खाएंगे, खाओ खाओ खाओ। आ गई हूँ मैं हीरा स्वीट में, बहुत तेज़ मिर्च लग रही है मुझे, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए मुझको, मैं मर जाऊँगी बिना पानी के। बहुत तेज, बहुत क्राउड है यहाँ पे भी, ये देखो ऐसा बना हुआ है, ऑसम बना हुआ है। 51 सेक्टर का हीरा स्वीट है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, मैं आधा गुलाब जामुन खा चुकी हूँ, मैं डाइट पे हूँ। मुझे बार बार याद आता है मैं डाइट पे हूँ, बट जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, मुझे बहुत प्यार आता है इन पर, दिल करता है इनको अपने मुँह में डाल के खा जाऊँ और सांस भी ना लूँ। खाएंगे आप? तो हीरा स्वीट में खा लिए मैंने रसगुल्ले, और मैं डाइट पे हूँ, बताया था आप लोगों को मैं डाइट पे हूँ। रसगुल्ले खा के भी मुझे चैन मिल गया, अभी तो फिलहाल पानी पी लिया दो गिलास। अब चलते हैं ऊपर, 51 से जाएंगे डायरेक्ट 137 सेक्टर। ये मेरे दो पीछे, कहाँ है मेरे बच्चे? ये इन लोगों को देखो, इन लोगों ने मुझे मैं ऊपर चढ़ गई, इन्होंने मुझे जाने दिया नहीं, मुझे आवाज पहली लगाई, मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं। ये लोग बहुत खुदगर्ज हैं, मैं नहीं बात करूंगी ऐसी बात नहीं। तो हम पहुंच गए हैं 137 सेक्टर, फाइनली अपने घर में पहुंचने वाले हैं हम।
थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। और नोएडा में इतनी ठंड है ना, दिल्ली से आ गए वहां पे तो नहीं लगी, इवन 52 सेक्टर में भी फील नहीं हुई मुझे ठंड। यहाँ आके ऐसा लग रहा है सांस रुक गई, बहुत ठंड है। और मुझे देख भी तो लो, अब हेलन बन के आऊंगी तो पैलन तो फेस करना ही पड़ेगा ना। तो बस लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, इन लोगों से पैरों से तो नीचे नहीं उतरा जाएगा बेचारों से, कहे लिफ्ट में जाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ घूम के? बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। दो रसगुल्ले कौन खा गया? दो रसगुल्ले नहीं खाए मैंने, एक ही खाया है। गुलाब जामुन मैंने खाया। अरे वो मैंने खाली गुलाब जामुन खाया है, ठीक है। तो ये है 137 सेक्टर में, मेट्रो के नीचे ही है रेलगाड़ी। ये देखो 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 देखो, रेलगाड़ी रेस्टोरेंट है ये, बहुत अच्छा। ये देख सकते हैं आप, कांगी कांगी कांगी, वाओ। ये देखो भाई रेलगाड़ी आ गई है। ये मैंने चाइना में देखा था, हर जगह देखा है बट यहाँ पहली बार देखा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें खाना सर्व होता है 137 सेक्टर में। आना हो तो आप इस रेस्टोरेंट में पक्का आना, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल मेरे पीछे है, देख लो आप, ये रेलगाड़ी क्या है, सवादिक रेलगाड़ी। तो आना यहाँ पे ज़रूर आना 137 सेक्टर में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चाइना में देखा है मैंने ऐसा बुफे सिस्टम होता है चाइना में, तो गई नहीं हूँ मैं, मैंने देखा है क्योंकि अच्छा लगता है, मैं फूडी तो हूँ इसके लिए ही। तो मैं भी आऊँगी यहाँ पर कभी फिर कभी, अभी तो हम घर जा रहे हैं फिलहाल। ये लोग चले गए तो अंदर रेलगाड़ी देखने, मैं भी चलेगी इनके पीछे पीछे। तो ये देख लो, ये स्पेशल, ये देखो, वाह वाह वाह, कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग यहाँ आए, आप लोग भी यहाँ ज़रूर आना, 137 सेक्टर ऊपर ही है, बिल्कुल मेट्रो के नीचे है, आना ज़रूर इस रेस्टोरेंट में, मेरे कहने पे आ जाना, बहुत प्यारा है। यहाँ का खाना वाना खा के देखना आप लोगों को, आई होप अच्छा लगेगा। तो भाई दूध रखा हुआ किचन में और ये सब लोग गायब हो गए हैं हल्की आंच पे करके, बट मैं इसको जल्दी से उबाल दूंगी। कल ना मैंने दूध उबाल के रखा था, पता है रात को काम जो किया ना सारा, कल सब दूध उबाल के रखा मैंने, कहना भैया यूज में आ जाए। ये लोग तो ऐसे ही इसका ना भचड़म भचड़म कर दे। तो भैया मैं बना रही हूँ मटर पुलाव मिक्स, मटर पुलाव गाजर मटर पुलाव, साथ में मैं खा रही हूँ खाना। मैं डाइटिंग पे हूँ बट मुझे भूख बहुत लगती है, मैं क्या करूँ। मटर पुलाव बना रही हूँ ना, मटर पुलाव तो चढ़ा दिए मैंने क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं है आज, तो मटर पुलाव चढ़ा दी है बस। अब तो बनाऊँगी चटनी, पहले मैं ना काली मिर्च लाई थी तो मैंने सोचा काली मिर्च को कूट लूँ, क्योंकि कुटी हुई काली मिर्च अलग लगती है और पाउडर वाली में ना मज़ा नहीं आता। जो कुटी हुई होती है ना, छोटे छोटे दाने आते हैं उसके खाने में, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं लाई थी 30 रुपये की काली मिर्च लाई थी, ठीक है, और 30 रुपये की काली मिर्च में देखना मैंने कितना पाउडर बना लिया और कितना अच्छा बना है। उस वक्त सीटी आ गई थी, देखो कितना अच्छा पाउडर बना है। मुझे थोड़ा मोटा मोटा करना था बट ये हमारी मशीन इतनी तेज़ है ना कि इसने पूरा बारीक कर दिया, बट फिर भी अच्छा लग रहा है। और यही पाउडर आप बाहर से ऑर्डर करेंगे तो आपको 80 रुपये का या 90 रुपये का मिलेगा, तो घर में बनाए ज़्यादा बेहतर है। 30 रुपये में ऐसा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये देखो मैंने इसमें से सारा काली मिर्च का पाउडर इसमें निकाल के रख दिया है। ये देख रहे हो आप कितना बना है, मतलब पूरा सोचो, सिर्फ थोड़ा सा ही तो कम है, बाकी पूरा बन गया 30 रुपये में। और क्या लोगे भाई, जान है लोगे के बच्चे की। तो आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। बन गए अभी मेरे मटर पुलाव बन गए हैं, चावल थोड़े हल्के लिटिल बिट कच्चे आई थिंक लगते हैं बट ऑलमोस्ट पक गए हैं। इसको थोड़ा मैं स्टीम पे ही छोड़ दूंगी ढक के, चावल भी उसमें वही हो जाएंगे। पानी ऑलरेडी सूख चुका है ये देख सकते हैं। चलो भाई मेरा सारा काम हो चुका है, मटर पुलाव ये भी वेज पुलाव भी बन चुके हैं, चटनी भी बना दी मैंने, हरा धनिया और ग्रीन चिली और टमाटो की चटनी बनाई है, इसमें कुछ नहीं डाला है सिर्फ सॉल्ट डाला है। और ये मैंने वहाँ पे रख दिया अपने छोले डाइट के लिए उबाल के खाने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं पूरा किचन बिखरा हुआ, इसको अभी सही करना है। अच्छो पच्चो कच्चो मिली बेबी है, छोटी सी बेबी है, दादू के पास बैठी है ये, है ना। हाँ अनाया स्माइल करके बताओ, नन्नी परी हो, नन्नी परी हो तुम, नन्नी परी। ऐसी परी किसकी है, ये सिर्फ अप्पो की अप्पी है, अप्पो की हो ना तुम, और किसी के पास मत जाना बेटी वरना मेरा डिवोर्स हो जाएगा। बेटी बेटी आई लव यू, बेटी आई लव यू, सुन रही है ध्यान से। आई अनाया आई लव यू, अनाया आई लव यू,
I love you, love you. Anaya, I love you. Anaya, I love you. तो रात बहुत हो चुकी है और मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं एक दो दिन से बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ. नींद कंप्लीट नहीं होती मुझे. सुबह 6 बज जाते हैं एडिटिंग करते करते, या 4-5 बजे ही मैं सोती हूँ. आज भी भाग गई थी, आज तो फिलहाल सोने वाली हूँ. बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ज्यादा. आंखों में नींद पता चल रही होगी. आई थी, काम में लग गई, काम निपटाया, बैठने का टाइम ही नहीं मिलता. तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं. मिलेंगे आप लोगों से कल. अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी टच कर देना. लव यू, गॉड ब्लेस यू. और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें. बाय.